यदि आप तीर्थ व्रत उद्यापन दान यज्ञ आदि ऐसा कोई कार्य करें तो मेरे साथ लेकर करें, मेरे अनुपस्थिति में कोई भी दान यज्ञ का कार्य ना करें। अगर आपको यह स्वीकार हो तभी मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। हव्य प्रदाने अमृतम दिव्यानाम पशाकव्यादान पश्यताम वामंगम तदीय तदीयम प्रभूति वचनम कन्या द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है यदि आप देवताओं के लिए हवनी द्रव्य या भोग प्रसाद अर्पण करें अथवा पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध द्रव्य अर्पण करें, पितरों का पूजन करें और यदि आप अपने पितरों को माने तभी मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है कुटुंबाद रक्षणो यदा तत्त्वम कुरवम पोषाम पालनाम वामंगम तदीय तत्त्वम तदीय कथा वचनम तृतीयम। कन्या कहती है कि आपका एक कुटुंब है, आगे संतानें भी होंगी, उनका भरण पोषण एवं रक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, साथ ही यदि घर में कोई पशु है तो वह भी परिवार के अंग माने जाते हैं, उनका पालन करने की व्यवस्था भी आपको ही करनी होगी। यदि ये बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आऊँगी। चौथे वचन में कन्या कहती है अयव्याम धान दुष्टानाम पुष्टामया सत्वाद दीक्षताम वाम अंगम तती तदीयम सतीय वचनम कन्या चतुर्थम। आय वे धन के विषय में आप मुझे जानकारी देते रहेंगे, मेरी सलाह से ही खर्च करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में आप गृहस्थ का संचालन, अतिथियों की सेवा प्रतिष्ठा आदि कर्म करेंगे। यदि किसी मित्र बंधु या रिश्तेदार को यदि कुछ लिया दिया है तो उसकी भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। यदि आपको यह बात स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आऊँगी। देवालय राम तंकूपम भवानीशाम प्रसिद्धते वाम अंगम तदा तदीयम प्रभुति कन्या वचनम पंचमम। कन्या पांचवें वचन में कहती है यदि आप देवालय बगीचे तालाब बावड़ी कुछ भी बनवाएं जिससे परोपकार का कार्य सिद्ध हो, जिससे आपका नाम संसार में पूर्णता फैले, यदि आपको स्वीकार है तभी मैं आपके वाम अंग में आऊँगी। देशांतरे वा स्वप्न परीतो पष्टा व्यवहार कारणम वामंगम तृतीय दत्तम विभूति वचनम कन्या चतुष्टमम। अपने कन्या छठवें वचन में कहती है कि क्रय विक्रय कार या व्यवहारिक कार्य हेतु यदि आप कभी बाहर जाएं अथवा अपने देश या ग्राम को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाएं तो उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, आप मुझसे संपर्क में बने रहें। अधिक समय का यदि आपका प्रवास हो तो उतने समय की व्यवस्था करके जाएं, यदि आपको यह स्वीकार है तभी मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। ना सेवानाम परक्रामाम यथादिष्टा विलोकिनाम वाम अंगम तथा तृतीयम भूति वचना कंचम सप्तमम। सातवें वचन में वर से कन्या यह मांगती है कि आप अन्य स्त्रियों के साथ हास्य विनोद नहीं करेंगे, उनको काम भाव से नहीं देखेंगे, किसी पराई स्त्री का अनुगमन अथवा सेवन नहीं करेंगे, यदि आपको यह स्वीकार है तभी मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। स्वीकार इस तरह कन्या के सात वचन पूर्ण होते हैं। अब कन्या जवन